तो आज मैं बना रही हूँ परांठा पत्तेदार। मेरे पास स्टफिंग बच गई थी, तो आपके पास भी हमेशा स्टफिंग बच जाती होगी और आप सोचते होंगे इसका क्या करें। तो मैं वही स्टफिंग ली है, मैंने सीडू बनाए थे, मेरे पास अखरोट की स्टफिंग बच गई है तो मैंने वो ली है। और उसके साथ मैंने पहले से आटा गूंथ के रखा है, आटे में अजवाइन नमक और तेल डाल के रखा था और मैंने एक चपाती बना ली है। तो देखिए ये है मेरे पास अखरोट की स्टफिंग, इसको हम चपाती के ऊपर फैला लेंगे। तो इस तरह से सारी स्टफिंग को हमने इससे ऊपर फैला लिया है। अब लिया है हमने एक नाइफ, इससे इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसका जो ये भाग है इसे हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और जो एक कट है हम इधर से इसे इस तरह से अब इस वाले पार्ट को हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। तो परांठा जो है इस तरह से फोल्ड हो चुका है। अब आटा लगा के इसे हम बेल लेंगे। तो परांठे को इस तरह से बेल दिया है और मेरे पास धनिया पत्ती है, इसे इसके ऊपर हम लगा देंगे। तो मैंने लोहे का तवा लिया है, तवा हमारा गर्म हो चुका है, परांठे को इसके ऊपर डाल देंगे। तो इसके ऊपर लगा लेंगे हम ऑयल इस तरह से, इसके ऊपर लगा लेंगे ऑयल। तो देखिए तैयार हो गया है हमारा स्टफिंग परांठा। तो मैं सर्व कर रही हूँ इसमें टमाटर धनिया और पुदीने की चटनी बनाई थी, मैं उसके साथ बना रही हूँ खा रही हूँ। अगर आपके पास दही है तो दही के साथ या सॉस या रायते किसी भी चीज़ के साथ बना के खा सकते हैं। तो ये बिल्कुल परतदार बना है हमारा परांठा, ये देखिए किस तरह का, और बनाने में बिल्कुल ही आसान है।